नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा हायर प्रॉफिट्स. व्हाट इज हायर प्रॉफिट्स? इंक्रीज प्रॉफिट्स. इफ वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आवर एम्प्लॉय, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय विल बी इंक्रीज. देयर विल बी लेस वेस्टेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जब वेस्टेजेस कम होंगी तब नेचुरली हमारे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, विच विल लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स और हायर प्रॉफिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट आएगा आपका, इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म का मतलब कि हम रोज रोज एब्सेंट हो रहे हैं. आप लोग भी बहुत एब्सेंट होते हैं ना स्कूल से, जब भी टेस्ट होता है सबके पेट में दर्द हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज एब्सेंटिज्म, फ्रीक्वेंटली छुट्टी लेना. एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब जॉब को छोड़ देना. तो इफ ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर इज रिड्यूस्ड. कैसे? बिकॉज दे आर वेल एक्वेंटेड ऑफ द जॉब, उनको उनका काम आता है, दे डू द जॉब इन विच दे आर एन्जॉइंग, क्योंकि उनको उस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड की जा रही है, उनको सेटिस्फैक्शन आ रही है, उनको ऐसा काम वो नहीं कर रहे हैं जो उनको नहीं आता. सो मोरेल इंक्रीज हो गया, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो गया, और उससे उनका कॉन्फिडेंस एनहांस हो गया एंड दे डोंट वॉन्ट टू रिमेन एट होम. अब वो काम करना चाहते हैं. आप सोच के देखिए, अगर हमें कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जो हमें नहीं आता, तो क्या हम उस काम करने को एंजॉय करें? या हमें बिल्कुल भी नहीं आता, ना हमें कोई सिखा रहा, ना हमें कोई गाइड कर रहा, और हम गलत करते हैं तो हमें डांट और पड़ती है, हम क्या करेंगे? हम उस काम से बचने की कोशिश करेंगे. वी विल नॉट वॉन्ट टू डू दैट जॉब. हाँ, लेकिन अगर हमें वो काम कोई सिखाएगा देन वी विल लाइक टू डू दैट जॉब. सिमिलरली सेम इज़ द केस विद एम्प्लॉयज़. इफ एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन देयर विल बी रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है आपका, इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स. इक्विप्स का मतलब रेडी करना, फ्यूचर मैनेजर्स को रेडी करता है. वो मैंने बहुत बार सिखाया आपको कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मिडल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, जब भी हमारी प्रमोशंस होती हैं, इट इज फॉलोड बाय अ चेन ऑफ प्रमोशंस, और थ्रू ट्रेनिंग वी कैन प्रिपेयर द मैनेजर्स फॉर आवर फ्यूचर. नेक्स्ट इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट चेंजेस. हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए भी, सपोज कोई टेक्नोलॉजी हमने चेंज की, हमने अपना वर्किंग मेथड चेंज किया, लाइक डीमोनेटाइजेशन के इंट्रोड्यूस होने से इफेक्ट क्या था? डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट होने से जो मेन इफेक्ट था, डैट वॉज गोइंग कैशलेस, यूजिंग मोर ऑफ डिजिटल मनी. जीएसटी आया, जीएसटी का काम, जीएसटी के रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब चेंजेस आए. अब इन सब चेंजेस को when we want to inculcate these changes in our organization, जो existing staff है, हो सकता है कि उनको उतना अच्छे से वो चीज़ नहीं आती हो. अब क्या ज़रूरत है? Now the need of the hour is to provide them training and development regarding these changes. हम उनको proper training और development provide करें. अब आता है benefits टू एम्प्लॉयज़. अभी तक हमने किया ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, नाउ वी आर डूइंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़. फर्स्ट इज
बेटर कैरियर। बेटर कैरियर कैसे होगा? बेटर कैरियर होगा व्हेन द लर्निंग हैज़ इंक्रीज्ड, स्किल्स हैज इंक्रीज, उनके नॉलेज इंक्रीज हो गई, तो इट विल प्रोवाइड देम अ बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी। दे विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड जॉब, अ बेटर कैरियर, दे कैन प्लान फॉर देयर सेल्फ। उनके प्रमोशंस होना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज अर्निंग्स। When the employees are highly skilled, they are motivated, wastages कम हो रही हैं, productivity increase हो रही है, तो natural सी बात है their earnings will increase, उनका output बढ़ रहा है, तो उनकी performance बढ़ गई, performance बढ़ गई तो it will help them to earn more money. Increased morale. Morale का मतलब आपका motivation level. When you are aware of all the changes in the organization, when you are aware of all the work, you don't want to remain absent, there is no turnover. So what is the outcome of that? The outcome is the morale or the motivation level of the employees increase and you don't want to quit the job or you don't want to remain at home or you don't want to leave the job or you don't want to stay at home for any cost. You just want to work, learn and learn new skills, learn new methods which will help in better career, increased earnings and morale level as increased. And is more efficient to handle machines. It becomes more efficient to handle machines. So machines वगैरह handle करने में बहुत efficient हो जाता है, बहुत आसान हो जाती है उसके लिए machines में काम करना, क्योंकि उसको proper training provide की जाती है, और जब हमें proper training provide की गई है efficiency तो increase होगी handling machines की। इसका एक और benefit है, जो accidents होते हैं organization में उनकी भी frequency reduce हो जाती है। आप देखते हैं किसी के हाथ में चोट लग गई, किसी की उंगली कट गई, किसी के पैर में चोट लग गई मशीन में काम करते करते, किसी का हाथ जल गया, तो ये सब एक्सीडेंट्स जो हमारी कंपनी की गुडविल के लिए अच्छे नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए अच्छे नहीं है, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे सिंस वी आर मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव इन हैंडलिंग द मशीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।